इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आईफोन में जैसे ये कोई फोटो रहता है उसको डॉक्यूमेंट में कैसे बना सकते हैं, जिससे कि हम व्हाट्सएप में या अदर किसी जगह पर उसे भेज सकें। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक यही है कि हम फोटोज़ को डॉक्यूमेंट में कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फोटोज़ ऐप की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो फोटोज़ ऐप को मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। अब यहाँ पर फोटोज़ आ जाएंगे बहुत सारे, जैसे कि लाइक मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ इनमें से। ठीक है, इसको ले लेता हूँ यहाँ पर। अब हमें इस फ़ोटो का डॉक्यूमेंट बनाना है, तो एक्चुअली में हमें करना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पर एक ये आइकन दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है। नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेव टू फाइल्स दिखाई देगी। ठीक है, आप यहाँ पर एक दफ़ा और आप देख लीजिएगा, सेव टू फाइल्स। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे, ठीक है, ये सेव टू फाइल्स होने के लिए फोल्डर आ जाएगा। अब इसे यहाँ पर किसी भी फोल्डर में सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये फोटो जो है डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो ये फोटो आपको डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हो जाएगा। तो इतना सा प्रोसेस रहता है इसका बस ये। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।